मस्त है था अभी टिकट काउंटर बंद है। व्हाट्सअप पीपल की हाल चाल, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। फाइनली अब अपन लोग जा रहे हैं अनुकुटी त्रिपुरा और विजिट करने वाले हैं अनुकुटी और धर्मनगर में बहुत सारा मजा भी करने वाले हैं। आज का प्लान है कि आज नहीं आएंगे अगरतला में, धर्मनगर या कोयलेश्वर में हम स्टे करने वाले हैं। और बहुत ही इस बार इस ब्लॉग में बहुत ही दमदार वाला ब्लॉग मिलने वाला है आप लोगों को और बहुत सुंदर सुंदर जगह अपन विजिट करने वाले। भैया कुछ बोल नहीं सकते, धूप उठने दे, इसका मुंह जम गया है, कब कब आ जा रहे हैं तो बस हालत कुछ ऐसा है स्टेशन का। स्टेशन खाली है किधर? बस फॉग के लिए दिख नहीं रहे लोग, बट स्टेशन ऑलमोस्ट फुल है। अभी मामा चैन की नींद सो रहा है ट्रेन पे, बस हंसी देखो इसका, सो भी रहा है, हंस भी रहा है, बट ठंड बहुत ही। ट्रेन जा रहे हैं ना अभी, बहुत ही ढीले जा रहे हैं। मेरे को पहुँचना था 10 बजे धर्मनगर में और शायद ये ट्रेन पहुँचेगा करीब करीब 11 या 11:30 बजे। और ये देखो मामा का हालत, ये ट्रेन या बस है? ये बस है, बस बस भी ख़राब है, बहुत लेट चल रहे हैं, बहुत ढीले ढीले चल रहे हैं और ऐसे भी रास्ता बहुत ख़राब है क्योंकि फॉग के लिए कोई दिख ही नहीं रहा है, एकदम पूरा क्लियर तो नहीं है, पूरा अंधेरा है। बस जब तक हम धर्मनगर ना पहुँचे तब तक साथ में रहो और ब्लॉग को अच्छा लगे तो लाइक या शेयर कर देना और इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो धर्मनगर से जाकर पहुँचते हैं, उसके बाद मिलते हैं बाकी सबसे। तो फाइनली क्रेजी मैन अपन पहुँच गया धर्मनगर पे और प्रीति ऑलमोस्ट बाहर खा रहा है मेरे लिए और अपन अभी इस भीड़ में लगने वाला है, एक एक करके सिरे उठने वाला है। तो बस चेक दिस माय वीडियो। मेरा दोस्त पूरा स्क्वाड लेके पुलिस लेके मेरे लिए खड़ा है। दोस्त आ गया अपन, अभी उससे मुलाकात करते हैं। व्हाट्सअप मैन, वेलकम टू धर्मनगर माय ब्रो, वेलकम टू धर्मनगर। तो फाइनली दोस्त के साथ मुलाकात करने के बाद अभी चल रहे थे अपने फाइनल डेस्टिनेशन पर जो अपना मंजिल है। पीपल की हालचाल, अपन आ चुके हैं अभी अनुकुटी में और बढ़िया सा मजा करते करते धर्मनगर से अभी फाइनली अनुकुटी में आए हैं। और मौके okay, भाई अभी पहुंचे हैं, देखते हैं पहले देखते हैं। ये पूरा प्लान मामा का ही था, अभी आज मेरा पहली बार है, पहली बार तेरा, चलो देखते हैं। तो ऐसा है कि एंट्री करने अंदर घुसने के लिए कोई टिकट नहीं लगता, बस आपको एंट्री करना है, इधर आके पहले एंट्री कर लेना, नंबर देके नाम वाम देके, बस इतना ही काफ़ी है। और उन लोग आपके पास पानी बोतल या खाने के कोई अच्छा चीज़ होगा तो उन लोग रखेगा, प्लास्टिक का कुछ चीज़ होगा तो इसका ध्यान ठीक से रखना क्योंकि प्लास्टिक का यूज़ अंदर नहीं होता, तो इतना आप लोग कर ही सकते हो और प्लास्टिक का यूज़ मत करना अंदर। और बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड एरिया है और इतना खूबसूरत एरिया, बट क्या बोलो, बट एक चीज़ इधर को मेरे को नोटिस किया है मैं, ये तिरंगा भाई जब हवा आएगा ना पूरा लहराएगा, बहुत प्यारा सा। और टूरिज्म के लिए, टूरिस्ट के लिए ये वॉशरूम है और अंदर का रोड है ये। मामा तेरा तो पहली बार है, चल भाई देखते हैं आज क्या होता है। बढ़िया, कुछ दूसरा बार मैं अनुकुटी में विजिट कर रहा हूँ और कभी मैं अनुकुटी में ब्लॉग बनाया भी नहीं क्योंकि मैं बहुत बार आया हूँ इधर और इतना एक्साइटेड मैं नहीं हूँ, बट ये अभी ग्लोबल का टूरिज़म हो गया क्योंकि ये जो अनुकुटी है अभी दिल्ली तक चला गया, और दिल्ली तक नहीं, ये अभी वर्ल्ड का एक टूरिज्म बन गया है। ये मतलब एक क्रूज से एक मूर्ति कम है, तो इसलिए उसका नाम बंगाली में उसको अनुकुटी कहता है, पता है। तो उसका डिस्क्रिप्शन जितना भी डिटेल से मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग देख लेना। और अभी जो अनुकुटी का ना वो कंस्ट्रक्शन चल रहा है और करीब करीब आते दो तीन सालों में और भी बेहतर हो जाएगा। तो फाइनली मैं अनुकुटी का फाइनल डेस्टिनेशन में पहुँच गया, वाह वाह बोलते क्या बोले पब्लिक, और दिखाओ शेयर। क्या बोलते हैं मामा, कैसे लग रहे हैं बोल, मौज है मतलब पूरा। ये तो पहले तो कही शिव मूर्ति है और तेरे पहले बार कैसा लग रहे है, पहले बोल ये पहले आकर जबरदस्त अनोखा। तेरे को एक बात बोलूँ कि
तू जो पहले बोलता था मेरे को मामा तू इतना बार गया है तो मेरे को आज लेके जा प्यारा ऊंचा इतना बड़ा भी नहीं है जो मैं बंगाई में चल के आया ना आसाम पे जो ट्रैकिंग कर गया है वो छोटा ही है बट बंगाई का जो हिल है ना भाई वो खतरनाक लेवल का है और बट तेरे को उधर भी लेके जाऊंगा मैं आसाम पे यार कसम यार नेक्स्ट लेवल वाला ट्रैकिंग है वो फिलहाल बहुत ही टूरिज्म और पिकनिक का जो लोग हैं एंथुसियाज है बहुत ही प्यारा प्यारा लोग है इधर सब एक एक करके अपनी तरफ से पार्टी वार्टी मना रहे हैं बाहर तो मैं इतने लोग को देखा कि सब मस्त अपने एंजॉय में बिजी है क्या बोलते हैं पब्लिक अपन भी आज पिकनिक मनाएगा 31 दिसंबर का बहुत मजे से एंजॉय करूँगा और धर्मनगर का जो पीपल है एंथुसियाज है वो मेरे लिए वेट कर रहे हैं पहले अभी ओनकोट के विजिट कर दें उसके बाद दिखा जाएगा जो भी करेंगे अपन तो मेरा अभी प्लान है कि अपन एकदम टॉप में जाना है और टॉप में जाने के बाद उधर का जो व्यू है मेरे को मिलेगा ऊपर का बस एक बार चेक कर लो मैं इतना बार विजिट किया ना वो एक बहुत क्या है कि मैं जब विजिट किया तब इतना एंथुसियाज नहीं था तो आज बहुत ही एंथुसियाज है बहुत ही लोग है और वेल मेंटेन एरिया है गाइस अभी ऐसा है कि अपन लोग जाएंगे एकदम ऊपर टॉप में जो टॉप दिख रहे हैं ना उधर पीक में तो फिलहाल अभी पीक के लिए रवाना होते हैं और मेरे को चढ़ाई करना होगा करीब करीब ज़्यादा नहीं 50 से 60 फुट इतना उससे ज़्यादा नहीं बस अभी नया नया कंस्ट्रक्शन चल रहा है मस्त नज़ारा हम देखते हैं ऊपर से और ये सब जितने भी पत्थर देख रहा हूँ ना ये सब मूर्ति है ये वाला में देख लो ये देख लो ऊपर देख लो ये देख लो ऊपर ये देख लो नज़ारा एकदम ऊपर देख लो ये सब मूर्ति है आप जिधर भी देखोगे ना ये सब मूर्ति है आज से करीब करीब हम जब 2015 या 2017 में एक बार आए थे उसके बाद आए थे 2016 पे और 2019 पे लास्ट आए थे हम तो ये जो पानी है ना ये झरना का जो पानी था तो ऊपर एक छोटा सा ऊँट का जो ब्रिज बना हुआ था तो पानी बहुत ही तेज़ था बट क्यों पता नहीं अभी पानी बहुत स्लो हो गया फिर भी बहुत प्यारा है और अभी जो देख रहे हो ना ये पूजा वगैरह इधर चलता है बस महादेव का पूजा करते हैं शायद 2-3 घंटा पहले इसमें पूजा हुए थे तो अभी मेरे को जूता लेके उधर नहीं जाना है बस ये दूर से दिखना है और प्रणाम वगैरह हम इधर से कर लेंगे जय भोलेनाथ तो अभी ये टूरिज्म तो ग्लोबल की तरह ग्लोबल के अंडर में चले गया बट ये तो मेरे को पता था कि आदिम जो क्या लोगों ने बनाया था बट ये जो लिखा गया है ना ये सब किसने बनाया पता नहीं जे के एंड लाव जुमा ये वगैरह पता नहीं इतने सुंदर सुंदर पत्थरों को ऐसा क्यों करते हैं बाबा बट कितना सुंदर मूर्ति था इधर बट ये सब नज़ारा वैसे देखते हुए बहुत मज़ा आ गया बट जो भी बनाया ना बहुत प्यार से बनाया होगा शायद उसका जो रिलेशन था पता नहीं है या ना है भगवान जाने नज़ारा बहुत प्यारा है अब उनको बस अभी पीक में चढ़ना है इधर से सीधा फिर बाबा इतना खड़ा चढ़ा है कैसे चढ़ूंगा पता नहीं है बट मेरे को चढ़ना पड़ेगा लंबा चढ़ाई है बेटा लंबा चढ़ाई है चढ़ना पड़ेगा चढ़ाई तो इतना खड़ा था ना बाबा क्या बोलूं मैं जिससे ज़्यादा करके 2 मीटर आया हूँ मैं मेरा फट रहा है अभी पूरा ज़्यादा खाना खा ली थी ट्रेन से उतरने के बाद तो अभी पता लग रहा है कि कम खाने थे मेरे को और मामा बोल रहे थे ये ज़्यादा खाने की ऐसा हालत है मामा कम खाती तो और भी ऊपर उठ सकते थे 2 मीटर से 5 मीटर उठ सकते हैं मामा भाई अभी 1 घंटे की चढ़ाई बाकी है 1 घंटा क्या बोलते हैं 2 मिनट जस्ट फिलहाल उन लोगों की हालत देखो पूरा फट रहा है एक का पेट खाली करना पड़ेगा नहीं तो भाई ये नहीं चला जाएगा कहाँ करेगा पेट खाली बाबा
कहीं भी कर सकते हो, पूरा चारों तरफ जंगल ही और जंगल है, समझा। उधर से कोई बाय बाय दे रहे और अपन भी बाय बाय बोलते हैं। नहीं बोलूँगा, ऊपर भी जाना है मेरे को। तो फिलहाल ऊनकोटी आने के बाद मेरे को बहुत ही प्यारा लगा, और अभी थोड़ा बहुत टाइम लैप्स लूँगा ऊपर जाकर सनसेट का। अभी सनसेट होने वाला है, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, बस थोड़ा दो घंटा, 4 बजे से पहले मेरे को निकलना है, फिर कोयलाश्वर जाना है, फिर अगर त्रिपुरा का सबसे बड़ा मेला विजिट करना है मेरे को, संगोत्री मेला। फिर क्या, आज 31 दिसंबर है, सबको एडवांस हैप्पी हैप्पी न्यू ईयर, और सब अच्छे रहे, खुश रहे, और बहुत प्यारे रहे। ये ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। लव यू सो मच ऑल ऑफ यू। तो फाइनली मेरे को मिजोरम का एक दोस्त मिल गया। हे ब्रो, व्हाट्सअप व्हाट्सअप या व्हाट्स योर नेम? My name is Venhima. Venhima, yeah, nice to meet you, bro. Where from? I'm from Mizoram. Yeah, we are looking so nice here. So, hi. Hi. I'll see you soon. Bye bye. See you soon. Bye. Bye. बहुत ही प्यारा बंदा था वो, मिजोरम का है, तो फाइनली ये त्रिपुरा में विजिट करने के लिए आया है। और प्यारा बंदा, प्यारा प्यारा बात करते है, और उसको हिंदी इतना आता नहीं है, बस तो इंग्लिश में बात करते हैं। तो मेरे को टूटा फूटा इंग्लिश मालूम है कि हम भी टूटा फूटा इंग्लिश मार के जेंटलमैन बन गया बेटा। मामा क्या हाल है? मैं तो वही देख रहा था भाई। लेकिन एक सेकेंड, क्या कर रहे बट हमको भी टूटा फूटा इंग्लिश मालूम है, टूटा फूटा इंग्लिश बोल दिया और हम अपन भी जेंटलमैन बन गया। क्या बोलते हैं पब्लिक, विद्रोह के पब्लिक के पास। व्हाट्सअप पीपल, की हाल चाल? तो फाइनली अपन आ गए ऊपर हाईएस्ट पीक में बाबा, क्या बोलते पब्लिक। तो फिलहाल ये बंदा है, चेक कर रहे हैं। कैसे है? आ जा ऊपर। ये बंदा को मालूम नहीं है कि मैं कौन हूँ और ये कौन है, बस ऐसे नज़ारा मिल गया, हाय हेलो बोल दिया ऊपर से, तो ये भी भाग के आ रहे हैं। तो ऐसा कुछ नज़ारा। और उधर देखो लोग भी इकट्ठा होकर इधर को मस्त फोटो वोटो खींच रहे हैं। किधर 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 किधर, इधर लोग। तो ये जो बंदा आ रहा है ना, तो पता नहीं ये कौन है, और उसको भी मैं मिला नहीं कभी। तो उधर से वो पैदल आ रहा था को ट्रेकिंग करते हुए, वैसे ऐसे झुके झुके वो कि कैसा हालत है तेरा बोल पहले? बहुत खराब। बहुत खराब, कहाँ से बिलोंग करते हैं? कुमारगढ़ से। कुमारगढ़ से, बहुत प्यारा यार, त्रिपुरा का बंदा है, हम भी त्रिपुरा से। अच्छा। तो फिलहाल आते वक्त क्या धड़कने ऐसा ऐसा हो रहा था क्या? हो रहा है, पहली बार? नहीं पहली बार नहीं, बहुत बार आ चुके हैं। बहुत बार, बट अभी पहले से क्या ना, पहले से ये नज़ारा तो चेंज हो गया ना पूरा। हाँ। बहुत प्यारा है यार, पहले क्या ऊनकोटी थे, अभी क्या बन रहा है यार, क्योंकि अभी तो जो ग्लोबल का हेरिटेज सागा में इंक्लूड हो गया, ये त्रिपुरा का बेस्ट टूरिज्म प्लेस ऊनकोटी, जिस बोल अभी बोल। तो फिलहाल ऐसा है कि हम अपन लोग तो एकदम हाईस्ट पीक पे आ चुके हैं, अभी जो पत्थर है उसके ऊपर बैठा हूँ, तो इसमें कोई मूर्ति वूर्ति नहीं है, इसलिए प्रॉपर सेफ्टी से बैठा हूँ मैं। तो ऊनकोटी का डिटेल्स ये है कि ये कोयलाश्वर लोकेशन में पड़ता है, जो धर्मनगर से भी आप लोग आ सकते हैं और कोयलाश्वर में बेसी आ सकते हैं। तो कोयलाश्वर से आने के लिए आपको कुमारगढ़ उतरना पड़ेगा, फिर लोकल बस पकड़ के अभी ऊनकोटी के लिए रवाना होना पड़ेगा। और एक बात की धर्मनगर से आएंगे तो आपको ट्रेन से अगरतला से धर्मनगर आना पड़ेगा, फिर लोकल कोई मैजिक या कोई बस आप लोग आपको मिल जाएगा, या 30 या 40 रुपीज़ में, तो आप फिलहाल ऊनकोटी के गेट तक आ सकते हो। तो ये मस्त नज़ारा एक बार चेक कर लो, फिर बाकी सब बोल रहा हूँ मैं ऊनकोटी का पूरा डिटेल्स। तो फाइनली ऐसा है कि आज के लिए ऊनकोटी को इतना ही, बस अलविदा कहते हुए लास्ट 31 दिसंबर है, बाय बाय ऊनकोटी, कभी और एक दिन मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बस बाहर निकलो, एंट्री अंदर घुसो, एंट्री देकर पैसा नहीं लगता, बाहर निकलो, कोई बातचीत नहीं, सीधा निकल जाओ अपनी तरफ अपनी मंजिल की ओर, बस इतना ही काफ़ी। और मामा क्या बोलेगा अभी भाई? अभी के लिए टाटा बाय बाय। तो आज का ब्लॉग करते हैं इधर ही एंड, और मस्त
कुछ हैप्पी नहीं यार। मैंने मैंने सनसेट दिखा दो, बस एक बार सनसेट देखो, मज़ा आ जाएगा। फॉग गिर रहा है, सन भी डूब रहा है और अपन भी कोयले शहर के लिए निकल रहे हैं। चलो आज का ब्लॉग इतना ही, आज के लिए बाय बाय। अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और मिलेंगे और एक नया खूबसूरत ब्लॉग के साथ। बाय बाय।